राम राम दोस्तों। तो देखिए आज पहला नवरात्र है तो बनाने जा रहे हैं ये सब्जी। 9 दिन का व्रत रहना है तो सब्जी हम कैसे बना के खाएंगे। तो देखिए 2 टमाटर है, ये आलू है उबला हुआ, पहले से हम इसको उबाल के रखे थे। और ये थोड़ा सा मेवा है सब, और ये पोस्ता दाना है, इसी का हम मसाला बनाएंगे। इसको हम पहले से भिगो दिए हैं और इसको हम पीसेंगे। और लहसुन प्याज इसमें एकदम नहीं डाले दोस्तों। पहले हम पोस्ते दानों को बढ़िया से धो लिए हैं, इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे इसे, फिर हम पीस लेंगे पहले इसी को। ये पोस्ता दाना पिसा गया, अब हम जो ये मेवा भिगोए थे, देखिए काजू है इसमें, काजू और ये मक्खन लाई और बादाम गड़ी सब हम भिगो के रखे थे पहले से, इसको हम पीसेंगे। इसको पीस सकती हैं, चाहे इसको पतला पतला एकदम काट सकती हैं। काट के भी काटी के हम डालेंगे, पीसेंगे नहीं। हमने टमाटर पूरा काट लिया है, अब इसको हम छोड़ देते हैं, आग ही जलाते हैं। अब इसमें हम कढ़ाई रखेंगे, फिर हम इसमें रिफाइंड डालते हैं, जीरा डालेंगे। देखिए जीरा चक डाल देंगे, सेंधा नमक, सेंधा नमक खाना चाहिए, इसमें डालेंगे सेना नमक स्वाद अनुसार। देखिए टमाटर गल गया है, अब इसमें डालेंगे मसाला हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे, तीखा अपने पसंद से खाइएगा। और ये गरम मसाला डालेंगे 2 चम्मच, अब देखिए ये मसाला भी तो भुजा गया। अब ये जो मेवा हम पीसे थे, अब इसको भी हम डाल देंगे, हम बढ़िया से चला लेंगे। देखिए मसाला बढ़िया भुजा गया है, सुगंध बढ़िया आ रहा है। इसी तरह अपने घर में बनाइएगा व्रत में, माँ बहनों को खिलाइएगा। अब इसमें हम देखिए आलू डालेंगे, देखिए ये सब्जी ने आलू डाल दिया, पानी डाल दिया। देखिए रेस्टोरेंट जैसा एकदम खाना है, अरे सब्जी है, जैसे होटल में हम लोग जाते हैं खाने उसी तरह है ये भी है। तब इसको हम 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, इससे ढक देते हैं इसको। सब्जी बन रहा है, तब तक हम सिंघाड़े का आटे का रोटी बना के आपको दिखाएंगे। तो देखिए सिंघाड़े का आटा है, इसी से हम रोटी बनाएंगे। देखिए आटा बन के तैयार हो गया है, इसको आटा को हम सान लिए। सब्जी भी देखिए हो गया, देखिए कितना एकदम होटल जैसा दिख रहा है। तो हम लोग होटल में जाते हैं खाने, अपने घर में बना के खाएंगे। तो इसको हम उतारते हैं, और अब इसको हम उतारते हैं, रोटी बनाने की तैयारी करेंगे। रोटी बनाने का तरीका ये फटने जैसा है एकदम, बाजरे का आटा जैसा। तो इसको हम धीरे धीरे लोइया करेंगे। आग जला लें, देखिए हमको गोल बनाना है। तब क्या करेंगे कि इसको हम चाहे कटोरी से चाहे गिलास से काट लेंगे, अगर बड़ा है कटोरी चाहे गिलास, बहुत सावधानी से बनाना है। इसको ऐसे पलट के पकाना है, हाथ से नहीं लेटना है, इसलिए कि सिंघाड़े का आटा है ये फट से टूट जाएगा। से उलट पुलट के हम बना लेंगे, इसी तरह धीरे धीरे पकाएंगे तो फूल जाएगा। देखिए 6 रोटी बन के तैयार हो गया है। ये व्रत में आप बनाइए, ये फल का फल भी है और रोटी का रोटी भी हो गया, आपको बहुत बढ़िया रहेगा खाने में, और स्वाद भी रहेगा और विटामिन भी रहेगा। 9 दिन का व्रत आराम से रह सकती हैं। तो ठीक है, देखिए हम सब्जी आपको दिखाते हैं इसके साथ। देखिए सब्जी कितना देखने में सुंदर लग रहा है, इसी तरह बनाइएगा अपने घर में। देखिए खाना बनके तैयार हो गया है नवरात्र का, तो हम टेस्ट करके भी बताते हैं, बहुत बढ़िया है।
और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने घर में बना के टेस्ट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।